अरे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहां डमरू बजा रहे हो। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडिया। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवक के जहर का खौफ मंडरा रहा है। कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडी, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर भी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं। There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बींग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray छोड़ेगा नहीं रे। देवू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा, पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। बरियो, अरे रुकी, रुको रुको बरियो, जो बताइए आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल है परिया। धरती की आंटी तू ठीक है ना बेटा? हाँ। अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान,
बेटा तारी तबियत तो ठीक छे ने? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ? हाँ? अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। आप तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परिया बनी, आंटीज भी परिया होती है। तो ठीक से विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहाँ भी धमाका हो गया। ब्रो आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है, यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। स्कूट में आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया। लेकिन ब्रो सिर्फ चैरिटी इवेंट का इन्विटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए? यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। ओ यस, श्योर श्योर श्योर। Excuse me, come here, please. Ouch! Thank you. Excuse me, please come. Excuse me, please come up. Please, do come. Excuse me. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? Depends. On what?
इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफबीट डांसर? ऑफबीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा, मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। इज दैट सो? या और अगर आज के कंपटीशन में तुम मेरे पार्टनर बने ना तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा, ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड छूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ हाँ, वही वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कॉम्पिटिशन जरूर जीतूंगा। स्कूट मी, स्कूट मी, स्कूट मी, स्कूट मी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे, 8 PM ओनली। और आप जैसे एंटू चंटू पार्ट लेने वाले हैं तो काटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। ऑफ कोर्स। और आप सबका वहाँ ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, मुझे मां से जाकर मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? मां, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन लेकिन तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज शाम नृत्य प्रतियोगिता में विवान के सामने जो खतरा आएगा उससे लड़ने के लिए मुझे खतरा तो उठाना ही पड़ेगा माँ। लेकिन बालवीर, जब विवान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो तुम उसे जाने से रोकते क्यों नहीं? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया है कि बालवीर के सामने जब बुराई का खतरा हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और करुणा जी को खुश करने के लिए विवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा तो मुझे उसे पीछे नहीं हटाना चाहिए बल्कि उसे इस खतरे से बचाना चाहिए। और माँ, इस खतरे से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे इस योजना के अनुसार तुम सामने आकर लड़ाई करने वाले हो और वो पूरी शक्ति अभी भी छिपी हुई होगी। एक बार फिर से सोच लो बालवीर। नहीं माँ, सोचने के लिए समय नहीं है मेरे पास, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो देखो बालवीर, जिस भी व्यक्ति ने उस चमकीली रेत को भारत नगर में बिछाया था उसकी आकृति अब युग इस महायंत्र में नजर आना शुरू हो गई है। बस बालवीर, अब थोड़ी देर इंतजार कर लो, हमें उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाएगा जो शिंकाई से इस धरती पर आया था। ब्रेक टाइम गाइस, आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट्स हैं, आप जाकर के 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ओके, चलो चलो। रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, डांस कंपटीशन में भारत नगर के इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, तो हम बिना किसी के नजर में ना आए विवान के शरीर से खून कैसे निकालेंगे? मिस ब्रिगेंजा, I'm sure, लेडी एम ने इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। सही कहा तुमने रे। सुन लीजिए, बोरी में रत्ती भरकर बेचने निकली है क्या?
ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो खोलिए खोलिए जरा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। बिलसा, तुम जानती हो कि प्रहेती ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री, मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं, और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा ये जानवर कमजोर रहेंगे, और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडियन? आ मिल्सा। एक कुएं के जानवर, उठ उठ उठ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? कुकड़ कहीं का? अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बाका नहीं कर सकता, ले उंगली खा। अरे वाह सुधरी जी, आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकले। सुंदरी जी मुझे काट दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी, रे सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या, मैं तो सो सो चाटे मारूंगा खुद को। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बामबाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडियम, मां शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को उस आकृति को बनाने में समय लगेगा, तो फिर धरती लोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा, तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर, ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है। डब्बू कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू माँ, धरती लोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है, मुझे जाना होगा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है बालवीर, तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर समारोह शुरू होने से पहले ये आकृति पूरी हो गई तो तुम अपनी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर उस दशक के शुरू होने तक
आकृति नहीं बनी तो आप मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू, डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू, अनन्या मैं यहाँ पर हूँ। फोटो फ्रेम थोड़ी ना उनकी दीवारों पे ढूंढ रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहो जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो, तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल हो। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की मोहतरमा। यू मी काम डाउन अनन्या, काम डाउन। देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम एक मिनट के लिए बिना आर्गुमेंट के मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओ हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओ समझ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ हेलो। अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं। ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। शेर के साथ डांस करने के लिए इस डब्बू को प्लीज बोलना ही पड़ेगा। जादुई झूमर है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब ये झूमर विवान के ऊपर गिरेगा तो उसे कोई खरोंच नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से उसका खून प्राप्त कर लेंगे। आहा, मिल साहब, बहुत खूब, शाबाश। लेकिन मिल साहब, हमें इसके इस्तेमाल में ये ध्यान रखना होगा कि विवान पे कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका खून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिल गए तो मैं इस शैंडलर की हेल्प से विवान का प्लाज्मा ऑब्टेन कर लूंगा। किराए और प्रे विवान का ब्लड लेकर रहेगा नहीं।